हाय गाइस, कैसे हो? आज का BTTH का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में ज़ियाओ यान की फाइट होने वाली है काओ क्लैन के जीनियस मिस काओ यिंग के साथ। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ियाओ यान पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए होली पिल सिटी में आ चुका था, लेकिन पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उसे एक टेस्ट को पास करना था, जिसमें पिल रीजन के 5 ग्रेट क्लैंस के डिसिपल्स भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, और तभी वहां पर मिस काओ आ जाती है। अब आगे एपिसोड नंबर 121 की शुरुआत में हमें मिस काओ यिंग को दिखाया जाता है, जिसकी ब्यूटी को देखकर सभी लोग वहां पर पागल हो रहे थे। जिस पर फर्स्ट एल्डर ज़ियाओ यान को काओ यिंग के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि वह लड़की जिसका नाम काओ यिंग है, यह काओ क्लैन की काफी टैलेंटेड डिसिपल है। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरों की कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। यह 7 साल की उम्र में ही एल्केमिस्ट बन गई थी, और 15 साल की उम्र में पिल टावर ने इसे अपना कोर डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, और जब यह 20 ईयर्स की हुई तो यह ऑलरेडी एक टियर 7 की एल्केमिस्ट बन चुकी थी। पिल टावर ने तो इसे अपना सक्सेसर के रूप में भी चूज कर लिया है। ज़ियाओ यान काओ यिंग के बारे में इतना सब कुछ जानकर उसके पसीने निकलने लगते हैं, और बोलता है अगर मैं इससे कोई पंगा ना लूं तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। जिस पर फर्स्ट एल्डर ज़ियाओ यान को बताते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार काओ यिंग अपने क्लैन की ओर से इस असेसमेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जिस पर ज़ियाओ यान थोड़ा रिलैक्स फील करता है, तभी ज़ियाओ यान के पास काओ क्लैन का एक बंदा आ जाता है जिसका नाम काओ डेन था। यह वही बंदा था जिससे जिन लैन की मैरिज फिक्स हुई थी, और फिर वह ज़ियाओ यान से बोलता है आखिर तुम कौन हो? इस बार मैं ये क्लैन की हेल्प करने वाला था, मेरी ऑलरेडी जिन लैन के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस पर ज़ियाओ यान एल्डर से बोलता है एल्डर क्या आपने इसे अभी तक बताया नहीं? तो फर्स्ट एल्डर काओ डेन से बोलते हैं जैसा कि सबको पता है तुम्हारा क्लैन मैरिज के थ्रू हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिस वजह से मैंने इस डिसीजन को चेंज कर दिया और जिन लैन की एंगेजमेंट हमने ज़ियाओ यान के साथ कर दिया। जिस पर वह काओ डेन काफी गुस्सा होता है और वहां से जाते हुए ज़ियाओ यान से बोलता है मैं तुम्हें टेस्ट के अंदर देख लूंगा, और फिर जाकर एक सीट पर बैठ जाता है जहां काओ यिंग बोलती है तुमने तो जिन लैन को हाई भी नहीं बोला और उसे चैलेंज देकर आ गए। तो काओ डेन बोलता है मुझे वह लड़की जिन लैन बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी तरफ वह अपने मन में ज़ियाओ यान और जिन लैन को एक कपल की तरह इमेजिन कर रहा था। तभी वहां पर पिल टावर के एल्डर शेंग याओ आ जाते हैं, तो सभी डिसिपल्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, और जब ज़ियाओ यान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वहां पर नाम बताता है तो सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे और बोलते हैं यह तो वही ज़ियाओ यान है जिसने 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग में विंड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को ऑफेंड किया था। जिस पर एल्डर शेंग याओ भी ज़ियाओ यान की तारीफ करते हुए बोलते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहां पर आओगे, पिछले कुछ समय में तुम पूरे सेंट्रल प्लेन में काफी पॉपुलर हो चुके हो। तो ज़ियाओ यान बोलता है एल्डर वह तो बस एक छोटी सी कंपटीशन फाइट थी और कुछ नहीं। इसके बाद एल्डर शेंग याओ उस टेस्ट के फर्स्ट राउंड को शुरू करते हुए बोलते हैं यह जो फर्स्ट राउंड होने वाला है इसमें आपकी सोल को चेक किया जाएगा कि वह कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एल्केमिस्ट के लिए किसी हाई टायर पिल को रिफाइन करने के लिए उसके सोल का स्ट्रांग होना जरूरी होता है, जिससे उसके स्पिरिचुअल एनर्जी पर उसका कंट्रोल भी काफी अच्छा हो जाता है। आपको इस टेस्ट को देने के लिए बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस पिलर के अंदर ट्रांसफर करना है, इसके बाद यह पिलर आपके एनर्जी को टेस्ट करके बता देगा आपका सोल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे ही आप 400 से ज्यादा वैल्यू को क्रॉस कर लेते हैं तो आप लोग इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। इस टेस्ट के दौरान लास्ट ईयर काओ यिंग ने अपनी सोल वैल्यू को 976 करके एक रिकॉर्ड बनाया था, और यह अब तक का सबसे हाईएस्ट सोल वैल्यू है, जिसे सुनकर सभी हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या कोई इस बार मिस काओ यिंग के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। इसी के साथ एल्डर शेंग याओ फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले कुई क्लैन से कुई जी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पिलर में ट्रांसफॉर्म करता है, तो उसका सोल वैल्यू 707 यानी 707 निकल कर आता है, और उसने इस टेस्ट को पास कर लिया था। इसके बाद बाई क्लैन से बाइंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, तो उसका सोल वैल्यू 785 निकल कर आता है, और फिर काओ क्लैन से काओ डेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, तो उसका सोल वैल्यू 846 होता है। इसके बाद डेन क्लैन से डेन जुआन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, तो उसका सोल वैल्यू 903 होता है, और यह अब तक का इस बार का हाईएस्ट सोल वैल्यू था। इसके बाद लास्ट में बारी आती है ज़ियाओ यान की, जिसे देखकर मिस काओ यिंग बोल रही थी मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे एबिलिटीज को देखना चाहती हूँ। और जैसे ही ज़ियाओ यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, वहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग के साथ साथ एल्डर शेंग याओ भी शॉक हो चुके थे और बोलते हैं ऐसी एनर्जी तो उस वक्त रिलीज हुई थी जब काओ यिंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस पिलर में ट्रांसफर किया था, क्या ज़ियाओ यान भी उसकी तरह एक एल्केमी जीनियस है? और तभी ज़ियाओ यान का सोल वैल्यू सबके सामने रिवील होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि ज़ियाओ यान का सोल वैल्यू 1309
95 था और उसे काओ यिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसे देखकर मिस काओ यिंग भी शॉक हो जाती है और बोलती है, सच में तुम भी एक जीनियस हो। लगता है इस बार का पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर एल्डर शेंग याओ अनाउंस करते हैं फर्स्ट राउंड यहीं पर खत्म होता है और इसका विनर जियाओ यान है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर काफी इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, फाइनली मेरा क्लैन अब सेफ है। इसके बाद शेंग याओ सभी को सेकंड राउंड में अपने बारे में बताने लगते हैं, जिसमें उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए सोल बीट्स को पकड़ा था। इस सोल बीट्स की खासियत थी कि जब भी इन्हें कोई अपने हाथों से उठाता है तो इसका वेट काफी कम होता है, लेकिन जब कोई कल्टीवेटर इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है तो इसका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एल्डर शेंग याओ सेकंड राउंड को भी स्टार्ट कर देते हैं, जहां इन सब के ऊपर काफी सारे सोल बीट्स गिरने लगते हैं, तो सभी लोग अपनी अलग अलग टेक्निक का यूज करते हुए सोल बीट्स को कैच करने लगते हैं। जियाओ यान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए काफी सारे हैंड्स को क्रिएट कर लिया था और फिर उन सभी स्पिरिचुअल बीट्स को कैच करने लगता है। और टाइम खत्म होने के बाद एल्डर शेंग याओ सभी को अपने कैच किए हुए सोल बीट्स को दिखाने के लिए बोलते हैं, जहां कुई जी ने 31, बाइंग ने 43, काउडेन ने 56 और डेंजवान ने 66 सोल बीट्स को कैच किया था। लेकिन जियाओ यान इन सब को एक बार फिर से शॉक करते हुए बोलता है, मैंने 93 सोल बीट्स को कैच किया है, जिसके साथ ही जियाओ यान ने एक बार फिर से काउइंग के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, क्योंकि उसने पिछले साल सेकंड राउंड में 83 सोल बीट्स को कैच किया था। और फिर एल्डर शेंग याओ जियाओ यान को कंग्रेचुलेशन बोलते हुए उसे इस राउंड का भी विनर बना देते हैं, जिसे देखकर जिलैन और फर्स्ट एल्डर और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसके बाद एल्डर थर्ड राउंड को स्टार्ट करते हुए इन सभी के चारों ओर एक सर्कल बना देते हैं और बोलते हैं, यह आखिरी टेस्ट होने वाला है, जिसमें बस तुम सबको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक दूसरे को इस सर्कल से बाहर निकालना है और जो भी इस सर्कल के लास्ट तक बचेगा वही इस राउंड का विनर होगा। और तभी मिस काओ यिंग बोलती है, एल्डर मैं काउडेन को खुद से रिप्लेस करके इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और जियाओ यान के साथ एक फ्रेंडली फाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने लगातार मेरे दो रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, इसीलिए मैं उसके साथ कम्पीट करना चाहती हूँ। और रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्लैन अपने डिसिप्लिन को टेस्ट के दौरान बदल सकता है अगर उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो। और फिर वह काउडेन की तरफ देखती है, जिस पर काउडेन उसके पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है। और फिर वह कुई जी, बाइंग और डेंजवान की तरफ देखती है, तो वह लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वह जियाओ यान से पूछती है, जियाओ यान क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो जियाओ यान अपने मन में सोचने लगता है, यह काफी अच्छा टाइम है काउइंग के स्किल्स को चेक करने का, और फिर वह भी इसके लिए तैयार हो जाता है। तो एल्डर शेंग याओ बोलते हैं, जबकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। इसके बाद एल्डर शेंग याओ थर्ड राउंड को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, तो सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके एक दूसरे को बाहर करने की कोशिश करने लगते हैं। जब यह लोग एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं तो इनकी एनर्जी एक दूसरे को बाहर की ओर करने लगती है, लेकिन जियाओ यान और काउइंग अपनी जगह से हिले भी नहीं थे, जिसे देख डेंजवान बोलता है, इन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी तो एक अलग ही लेवल पर है। तभी मिस काउइंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए काफी पावरफुल फिनिक्स को क्रिएट कर लेती है और जियाओ यान पर अटैक करती है, तो जियाओ यान भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक हाथ को क्रिएट करता है और उसे काउइंग पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जहां मिस काउइंग जियाओ यान से बोल रही थी, मैंने नोटिस किया कि तुमने पिछले दोनों टेस्ट में अपना 100% नहीं दिया, अगर तुमने ट्राई किया होता तो तुम और भी अच्छा कर सकते थे, तुम्हारी स्किल सच में काफी अच्छी है, मुझे काफी समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला है। तो जियाओ यान बोलता है, मैं भी पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मिल रहा हूँ जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इन दोनों के अटैक्स को देखकर कुई जी, डेंजवान और बाइंग तीनों एल्डर शेंग याओ से बोलकर इस टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वे इनकी बराबर के नहीं है। जिस पर मिस काउइंग बोलती है, यह तो और भी अच्छा हुआ। और फिर वह जियाओ यान से बोलती है, जियाओ यान मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देती हूँ, तुम्हें बस मेरे तीन अटैक्स को ब्लॉक करना होगा, अगर तुमने मेरे तीनों अटैक को ब्लॉक कर दिया तो तुम इस टेस्ट को जीत जाओगे। तो जियाओ यान इसके लिए भी तैयार हो जाता है और फिर मिस काउइंग अपने और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर जियाओ यान हैरान हो जाता है। तो मिस काउइंग बताती है, यह मेरी एक सीक्रेट सोल स्किल है, इसके पावर का अंदाजा तुम्हें बहुत ही जल्द हो जाएगा। और फिर वह उस सोल स्किल का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल पाम से जियाओ यान पर अटैक करती है। जियाओ यान भी उस अटैक के प्रेशर को फील कर पा रहा था और फिर वह भी एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड से मिस काउइंग पर अटैक करता है, जिसमें उन दोनों के ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जियाओ यान सर्कल से बाहर निकलने से बाल बाल बचता है। और फिर जियाओ यान बोलता है, मिस काउइंग आपकी सोल स्किल तो सच में काफी अच्छी है, इसने तो मुझे ऑलमोस्ट सर्कल के बाहर ही कर दिया था। तो काउइंग बोलती है, मेरे स्किल को एक टीयर 7 के हाई लेवल का अल्केमिस्ट भी नहीं रोक सकता, पर तुम तो टीयर 7 के मिड लेवल पर हो, फिर भी तुमने इसे रोक दिया, तुम्हारी स्किल भी काफी अच्छी है। इसके बाद मिस काउइंग अपने सोल टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पिरिचुअल टाइगर को क्रिएट कर देती है,
जिसका पावर पिछले वाले अटैक से भी काफी ज्यादा था, और फिर वह उस स्पिरिचुअल टाइगर से जियाओयान पर अटैक कर देती है। तो जियाओयान भी इस बार अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए मिस काओ यिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस बार जियाओयान की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी, तो लिटिल फेरी डॉक्टर और जिन लैन जियाओयान को अलर्ट रहने के लिए बोलती है, और तभी जियाओयान मिस काओ यिंग के सोल टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसे देख मिस काओ यिंग बोलती है, यह तो इम्पॉसिबल है, यह मेरे क्लान का सीक्रेट सोल स्किल है और तुम बस इसे मुझे यूज करते हुए देख कर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे इस कॉपी किए हुए सोल स्किल टेक्निक के पावर को देखना चाहती हूँ। जिस पर जियाओयान बोलता है, मिस काओ यिंग, मैंने तुम्हारे सोल स्किल को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है, जिस वजह से अब मैं भी इस सोल स्किल को परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर वह उस सोल स्किल का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन को क्रिएट कर लेता है। तो मिस काओ यिंग भी एक बार फिर से उस स्पिरिचुअल टाइगर को क्रिएट कर लेती है, लेकिन इस बार उसकी पावर पिछले वाले अटैक से काफी ज्यादा थी, और फिर वह जियाओयान पर अटैक कर देती है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहाँ एल्डर और डिसिपल ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने शील्ड बना लिया था। सभी लोग इस बात को जानने के लिए परेशान थे कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है। और फिर जब वहाँ से चारों तरफ से फॉग हटता है, तो हमें दिखाई देता है जियाओयान अभी भी उस सर्किल के अंदर खड़ा था, और उसने इस टेस्ट को पास कर लिया था, जिसे देख सभी लोग बोलते हैं, ये क्लैन इस बार सच में बहुत ज्यादा लकी है, जियाओयान ने मिस काओ यिंग को हरा दिया, यह कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ काओडेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियाओयान ने उसके सिस्टर को हरा दिया, और फिर काओ यिंग जियाओयान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में इंतजार करूंगी, और अगर उस वक्त तुमने अपने स्किल को इस तरह से छुपाया तो मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। जियाओयान काओ यिंग को अपने इतनी ज्यादा पास देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जिन लैन और फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि जियाओयान ने सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लिया और ये क्लैन को बचा लिया। जियाओयान मिस काओ यिंग को वहाँ से वापस जाते हुए देखकर बोलता है, काओ यिंग, तुम्हारे स्किल सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। फिर हमें एल्डर शेंग याओ को दिखाया जाता है, जो जियाओयान को देखते हुए बोल रहे थे, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है, क्या यह उससे रिलेटेड है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फाइट होने वाली है जियाओयान की हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर मू के साथ। इसीलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस अगले एपिसोड के लिए, साथ ही में कमेंट करके बताओ एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।